कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे देखने को मिली। तो 24,964 के आसपास हम यहाँ पे क्लोजिंग देने में कामयाब हुए अब की बार। अब कामयाब इस जगह कामयाबी बोलें या ये चीज़ बोलें कि भाई नीचे से तो अच्छा है, जो नीचे हमको क्लोजिंग देखने को मिली थी उससे तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन अब जा कहाँ पे सकता है बाजार? यहाँ से जो आपका मूवमेंट हुआ है या आपकी इस जगह जो क्लोजिंग मिली है, अब यहाँ से जा क्या सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चांस देखेंगे कि बाजार में अब बड़ा चांस क्या है, ठीक है। बाजार के पैटर्न को आप समझिए, ये वो वाला जोन था, ये वो वाला प्राइस था, यहाँ पे देखिए सब कुछ अच्छा आ रहा था। मतलब यहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि ये 27,000 भी बहुत जल्दी टच कर देगा, यानी 27,000 का जो लेवल है वो भी हमको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ें दिखाई देती हैं रियल में वो चीज़ें नहीं होती हैं। और उसके बाद फिर जो हमको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, जो हमको देखे यहाँ पे कंटिन्यू एक सेलिंग देखने को मिली, उसके बाद तो फिर बाजार ही क्या कहने, बाजार ही मतलब अपने आप को सब कुछ समझने लगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। चलिए बात करते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन बाजार कैसा ओपन हो सकता है, निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं, इस पैटर्न में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तो देखिए इस जगह 24,964 के आसपास हम इस जगह क्लोजिंग देने में कामयाब हुए हैं। अब मैंने इस जगह कामयाबी की बात क्यों की, क्योंकि कामयाबी तो उसको कहते हैं जब इसमें हायर टू हाई हमको दिखाई देते हैं। देखिए, मैंने इस शब्द का उपयोग इसलिए किया है क्योंकि अगर आप इसका लो देखोगे तो वो ऑलमोस्ट आपको 24,700 के समथिंग हमको देखने को मिलेगा, लेकिन उससे हम एक अच्छे खासे यहाँ पे ऊपर की साइड है, ठीक है। जो कि अगर हम बात करें तो 250 पॉइंटों के आसपास हम नीचे से पॉजिटिव है। मैंने नीचे से पॉजिटिव की बात की है। अब ज़्यादा चांस किस चीज़ के बनते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये वो दौर था जो दौर देखिए निफ्टी के लिए बहुत अच्छा था, और इस दौर में हम बात भी करते थे कि अब तो देखिए यहाँ पे बाजार आपका 27,000 चला जाएगा। लेकिन जब कहते हैं ना कि चीज़ें जब बिगड़ना चालू होती है, जब कंडीशनें दिखाई देना चालू होती है, जब बाजार अपना रंग बदलना चालू करता है, जब बाजार में जो कैश फ्लो है वो निकलना चालू करता है, और सबसे बड़ी बात जब FIS कुछ अपना अतरंगी खेल दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखिए बाजार के अंदर हुई, और फिर उसके बाद देखिए ऊपर से हमको एक सेलिंग दिखाई दिया। अब सवाल आता है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो पहला रीज़न तो आप जो समझे कि बाजार अभी है कहाँ पे, ठीक है। तो बाजार हमारे सपोर्ट पे है, ये जो जोन है ये सपोर्ट वाला जोन है, ठीक है। अभी क्या DIS सेलिंग कर रहे हैं? लेकिन नहीं, DIS अभी भी बाइंग कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव है। हम नेगेटिव चीज़ों को भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। बाजार क्या बहुत ज़्यादा भारी है? नहीं, बाजार अगर मैं देखूँ तो ऊपर के लेवल से एक हल्का हो चुका है, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट आपका 1,1200 पॉइंट आपका हल्का हो चुका है, यानी अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए हम किस तरीके से काम करके चल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके लिए तो देखिए हमको 15 मिनट का चार्ट देखना पड़ेगा। 15 मिनट के चार्ट को देखने के बाद हमको इसको छोटा करना पड़ेगा। अब ये चार्ट आपके सामने है, चार्ट को अगर देखिए मैं यहाँ पे कुछ और लगा के दिखाना चाहूँ, जैसे कि देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले इस जगह देखिए एक चार्ट बार आता है, ये है डेटा, और इस डेटा को अगर मैं यहाँ पे ये पूरा प्लेस करता हूँ इसके लो तक, तो यहाँ पे देखिए कुछ आपको यहाँ पे पॉइंट में दिखाई देंगे। जैसे कि देखिए ऊपर से कितना बजा गया, जो कि हमको दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट 5% के आसपास। कितनी बार बनी है? 250 के आसपास बार बन चुके हैं। और ये मार्केट का जो पूरा टाइमिंग है नहीं, यानी अगर मैं जब तक मार्केट आपका यहाँ पे चालू था वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये पूरा बाजार का यहाँ पे मूवमेंट हमको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अपन समझते हैं कि ये देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये सेलिंग हमको दिखाई दे रही है अच्छी खासी, ठीक है। लेकिन पैटर्न को थोड़ा आप देखिए, पैटर्न क्या कहना चाहता है। देखिए यहाँ पे हमको एक अच्छा खासा मूवमेंट हमको दिखाई दिया, यानी यहाँ पे देखिए बायर जो आपके थे वो अचानक एक्टिवेट नहीं हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहले आपका प्रीवियस यहाँ पे क्या था, सपोर्ट था। आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा
उसके बाद देखिए यहाँ पे इसने कंसुलेट किया है, ठीक है, कंसुलेट किया। अब देखिए नीचे वाला जो जोन है हमारे लिए, जो नीचे वाला जोन है ये इम्पोर्टेंट हो गए, लेकिन ऊपर वाले जोन को भी हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट देंगे, क्योंकि ऊपर अब वाला जो प्राइस है वो आपका 25,000 का लेवल है। अगर ये 25,000 के ऊपर देखिए सस्टेन करना चालू कर देता है, अगर ये 25,000 के ऊपर सस्टेन करना चालू कर देता है, इसको ऊपर की साइड निकालता है, तो फिर हम ये देख सकते हैं कि बाज़ार में फिर से हमको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलर आपके बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट आपके एक सेलर यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। तो अभी इनके SL हिट नहीं हुए, और कभी भी बाज़ार का अगर आप प्राइस एक्शन समझते हो या आप प्राइस एक्शन को जानते होगे तो बाज़ार कभी ऐसे नहीं गया। समझ में आया बाजार कैसे गिरता है? इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये बाजार इस तरीके से गिर रहा है। अब गिरने के बाद क्या होता है कि इसका अगर ये प्रीवियस जो आपका पहले वाला हाई है उसके आसपास अगर ये कंसोल करके इसको निकालता है, तो इसको हम बोलते हैं कि अब जो रिकवर के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ पे इसी तरीके के कुछ यहाँ पे संदेश दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर हमको ऊपर की साइड निफ्टी के ऑलमोस्ट आपको एक जगह 25,050, 25,100, 25,200, 200 तक हम जा सकते हैं, या फिर एक जगह 25,250 भी हम ले सकते हैं, इतना मूवमेंट हमको दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंट की बात करते हैं तो रेजिस्टेंट देखिए इसको समझिए, रेजिस्टेंट चीज़ होती क्या है, बहुत अच्छे से यहाँ पे हम रेजिस्टेंट को प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले ये चीज़ें हमको समझ में आई, ये वाले सपोर्ट था जो मैंने बात किया था, जो कि आपका 5 तारीख के आसपास हमको देखने को मिलता था, उस सपोर्ट को इसने क्या किया, बाजार ने, लोगों ने यहाँ पे देखिए इसको ब्रेक किया होगा, तो ब्रेक करने के बाद लोगों ने यहाँ पे क्या सोचा होगा कि अब ये निफ्टी में सेलिंग आ रहा है तो यहाँ पे हम शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट का मीन्स होता है कि हम सेलिंग कर देते हैं। जैसे ही सेलिंग किया होगा लोगों ने, यहाँ पे देखिए बाजार बाउंस बैक कर गया। ठीक है, यानी क्या हुआ, ट्रैप कौन लोग हुए, यहाँ पे जो सेलिंग किए वो लोग ट्रैप हो चुके हैं। अब जो ट्रैप जो हो चुके हैं, अब जो प्रॉफिट में कब आएंगे, ठीक है, कब आ सकते हैं ये प्रॉफिट में, तो ये आ सकते हैं जब ये आपका 24,900 के नीचे ट्रेड होना चालू करेगा। अगर ये 24,900 के नीचे ट्रेड करता है, जब भी हमारे लिए क्या हो सकता है, जब भी हमारे लिए बाजार थोड़ा नेगेटिव जा सकता है। ठीक है, जब ये आपका 24,900 के नीचे जाता है, उससे पहले हमको किसी भी तरीके का ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि बाजार इस जगह थोड़ा पैनिक कर रहा है, क्योंकि 24,900 के नीचे ही जाने पे यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा या जो लोग सोच रहे होंगे हमारा प्राइस आ जाए तो उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा, वरना नहीं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस आपका ये वाला है, अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है या गैप के साथ मिलता है तो हमको बाइंग नहीं करना है। फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस के आसपास मिला, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, यहाँ पे समय बिताया, समय बिताने के बाद ऑलमोस्ट कितना समय बिताना चाहिए, ये बहुत सारे सवाल आते हैं, तो कम से कम देखिए 15 से लेके 20 मिनट तो समय बिताना चाहिए। 15 से 20 मिनट समय बिताने का मतलब क्या होता है, तो 1 मिनट की कैंडल कम से कम 15 बनना चाहिए, 15 से लेके 20, और आपकी 5 मिनट की कैंडल, और आपकी 5 मिनट की कैंडल कितनी बनना चाहिए, कम से कम आपकी 3 से 4 कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, ये कंसोलिडेट का मीन्स होता है। कंसोलिडेट करने के बाद जो आपका हाई है उसको ब्रेक कर देना चाहिए, तो फिर ये आपके नई हाई के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि ऊपर की साइड हमको इस जगह गैप भी दिखाई दे रहा है, जो कि आपका बाजार की साइड ऊपर की साइड गैप है। हमने अक्सर देखा है कि बाजार आपका गैप को फिल कर देता है, और वो चीज़ों हमको फिर से देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक बात अच्छी है, नीचे की साइड अभी कोई गैप नहीं है, ज़्यादा कोई गैप नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें थोड़ा पॉजिटिव साइन लेके चल सकते हैं। ठीक है, बाकी नेगेटिव मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है कि नेगेटिव में हमको जब भी जाना है, जब आपका ये 24,900 को ब्रेक करता है, अगर 24,900 को ये ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है, तो फिर हम इस जगह 24,700 से लेके 24,600 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसकी कंडीशन मुझे बहुत कम दिखाई देती है। ठीक है,
बाकी फिर भी मैंने आपको बता दिया बाज़ार है, बाज़ार को कोई भी अगर मैं बात कहूँ तो 101% नहीं समझ सकता। अगर कुछ होता है तो इसके नीचे ही होगा, अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो इसके नीचे आपको सतर्क हो जाना है। बाकी गैप के साथ कैसे काम करना है, फ्लैट में कैसे काम करना है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।